नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद डीएम मयूर दीक्षित ने मुनिकीरेती स्थित नगर पालिका के सभागार में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सभी अधिकारियों को आपसी समंजस से नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित सम्पन्न कराने का पाठ डीएम ने पढ़ाया। मुख्य रूप से पथ प्रकाश और साफ सफाई के इंतजाम बेहतर रखने के दिशा निर्देश पालिका के अधिकारियों को दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कहा गया है। डीएम ने बताया कि कुछ लोगों ने भीड़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या होने की बात बताई है, इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को स्कूलों की छुट्टी कराने पर शिक्षा विभाग से बात कर विचार किया जाएगा। देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो ही चुकी है और हमारा जो एरिया है टेरी गढ़वाल में काफी भारी संख्या में कांवड़ यहाँ से गुजरते हैं और दो ब्रिजेस भी हैं हमारे, तो सभी डिपार्टमेंट के साथ एक फील्ड इंस्पेक्शन भी किया गया और सभी डिपार्टमेंट्स को पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, पुलिस विभाग हो या अन्य डिपार्टमेंट्स है, सभी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती करी है, उनकी भी ब्रीफिंग की गई है और बारिश का मौसम भी चल रहा है तो बिल्कुल सीमलेस यात्रा हो, कोई दिक्कत ना हो कांवड़ियों को भी और आम जनता जो हमारे यहाँ पे रहती है। कोटद्वार द्वारिखाल ब्लॉक में लगातार बारिश हो रही है। शासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी में ना जाने के लोगों को चेतावनी दी है और चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके बाद भी पर्यटक खो नदी में नहाने जा रहे हैं। लंगूरगाड और दुग्गाड ब्लॉक के पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले शिलगाड गदेरे से मिलकर दुग्गाड में खो नदी बनती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की वजह से अचानक खो नदी में उफान आ जाता है। कई बार कोटद्वार में मौसम साफ होने के बाद भी नदी में तेज उफान आ जाता है, जिसकी वजह से नदी में जाने वालों लोगों के लिए खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि बीते साल इस नदी में डूबने से 5 लोगों की जान चली गई थी। सिद्धबली मंदिर में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पर्यटक यहाँ आते हैं और खो नदी में नहाने पहुंचते हैं। खतरे से अनजान लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को नदी में ले जाते हैं। जो साइन बोर्ड नदी में जाने के संबंध में, हाँ, जो नदियों में लोग ऊपर से एकदम से पानी आता है और लोग कई बार हादसे, ठीक है, इस संबंध में हम सिंचाई विभाग प्रशासन अपने से प्रत्यक्ष जारी कर देंगे कि नदियों में जाने के सबको रोक दें। और वैसे पिछली बार जो हम लोगों ने वर्षा काल में पुलिस के माध्यम से इसमें चेतावनी भी जारी करवाई थी, इवन इफ जो सिद्धिवली मंदिर के आसपास में कुछ छोटा सा पौंड बना के लोग उसमें नहाते हैं, वहाँ पर भी एक पुलिस की जिप्सी के माध्यम से हम लोगों ने गाड़ी वहीं पर खड़ी कर रखी थी। लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते ट्रैक ट्रैकिंग पर भागीरथ टॉप पर एवलांच आने से एक हेल्पर संजय राणा निवासी कांवड़ तहसील भटवाड़ी उत्तरकाशी की मौत हो गई। शव को लाया गया है। जिला प्रशासन गुगुत्री नेशनल पार्क प्रशासन पर स्वालिनेशन निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम का अलर्ट आने के बावजूद पार्क प्रशासन ट्रैक पर जाने की अनुमति दे रहा है। प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़े ही हो रहे हैं, साथ ही साथ 9 भारतीय पर्वतारोही के साथ एजेंसी के 3 एचएपी, 1 कुक, 2 हेल्पर, 12 पोर्टर सहित कुल 27 पर्वतारोही को पीक पर जाने की अनुमति दी गई थी। छिदारवाला में जोगीवाला में सोंग नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य में लगे 2 मजदूर सोंग नदी में अचानक बाढ़ से बने टापू में फंस गए। मौके पर पहुंची रायवाला पुलिस और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। एसडीआरएफ की टीम प्रभारी इंस्पेक्टर कविंद सजवार ने बताया कि टीम ने महज 30 मिनट में मौके पर पहुंचकर टापू में फंसे विक्की पुत्र चंद्रवीर और राजेश पुत्र बालेश्वर दोनों निवासी छिदरवाला के रायवाला को राफ्ट की मदद से सुरक्षित नदी पार कराई गई है। मौके पर मौजूदा जोगीवाला वाफी के ग्राम प्रधान सुबन सिंह केतुरा ने बताया कि इन दिनों सोंग नदी किनारे तार जाल लगाने का काम चल रहा है। ये दोनों लोग वहां पर काम कर रहे थे। दिन में भी तेज बारिश हुई थी। सोंग नदी का जलस्तर बढ़ने से दोनों मजदूर नदी में फंस गए। रेस्क्यू टीम में हेड कांस्टेबल दरमान सिंह, संजीव कुमार तमाम मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए भावुक भी नजर आए। मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी के परिजन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। मनीष खंडूरी ने कहा कि अब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बद्रीनाथ से लेकर कोटद्वार तक आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होकर इस आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। आंदोलन के माध्यम से अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गया उनके घर, कुछ बार चला गया हूं और जब भी जाता हूं दुख बहुत होता है और शर्म और भी आ रही है। शर्म इस बात की आती है कि उत्तराखंडी होने के नाते, पहाड़ी होने के नाते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए।
उसके पिता के लिए, उस बेटी की जो चीख थी वो गूंज रही है, न्याय मांग रही है, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके पिताजी ने जो बयान दिया था, जो मुझे बताया, अगर मैं उसको विश्वास नहीं करता हूं। श्रावण महीने की कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रभारी थाना अध्यक्ष रायवाला प्रशिक्षु आईपीएस जितेंद्र बेहरा ने अधीनस्थों को ब्रीफिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की है। कांवड़ यात्रा के दौरान असामाजिक तत्व और संदिग्धों पर नजर रखने के अलावा किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम को रायवाला के प्रभारी थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु आईपीएस जितेंद्र मेहर ने रायवाला थाने में तैनात समस्त अधीनस्थों को ब्रीफ कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों संग बैठक कर कांवड़ यात्रा में सहयोग करने की अपील की है। ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि प्रत्येक पुलिस कर्मचारी चिता कर्मचारी कांवड़ वॉलंटियर बनाएंगे। कांवड़ मेले के दौरान सभी कर्मचारी धैर्य और सहनशीलता और सजगता में ड्यूटी करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी कांवड़िए की स्वास्थ्य खराब होने या एक्सीडेंट होने की दिशा में उसे शीघ्र अस्पताल पहुंचाएंगे। रेलवे लाइन के पास पुलिस गश्त लगाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। चलते चलते वो खा ले और साइड में कहीं डस्टबिन रखवा देंगे। सर, कांवड़ के टाइम पे जैसे नशा का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई के इनपुट्स आते हैं, उसके लिए भी अभी कोई स्पेशल अपनी टीम बनाई है या ऐसे ही चलेगा? नशा हम कहीं भी टॉलरेट नहीं करेंगे, कोई नशे में हमारे एरिया में तो हम नहीं चाहते कोई आए। नहीं सर, क्योंकि कांवड़ के टाइम पर ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हमने वैसे तो। धर्मनगरी हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र में स्थित पेंटागन मॉल में स्पा सेंटर की यार्ड में चल रहे सेक्स रैकेट की शिकायत पर हरिद्वार सिरकुल स्थित पेंटागन मॉल में चल रहे दो स्पा सेंटरों पर हरिद्वार पुलिस द्वारा रेड की गई। हालांकि स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट संबंधित शिकायत सच नहीं हो पाई, लेकिन दोनों स्पा सेंटर बिना लाइसेंस के चल रहे थे, जिस कारण दोनों ही स्पा सेंटर को सीज कर दिया गया। जानकारी देते हुए सिरकुल थाना इंचार्ज नरेश राठौर ने बताया कि पेंटागन मॉल स्थित स्पा सेंटर ग्रीन और प्लॉट फ्लाई स्पा के पास लाइसेंस नहीं था और यहां लड़कियों को मसाज कराई जा रही थी। उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा भी नहीं था। दोनों स्पा सेंटर्स को सीज कर दिया गया है। इसी के साथ ही नरेश राठौर ने बताया कि सिरकुल में चल रहे इन दोनों स्पा सेंटर में गलत गतिविधियां होने की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। हालांकि पुलिस की रेड के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि स्पा सेंटर में नहीं मिली। फिलहाल दोनों स्पा को सील कर दिया गया दोनों के पास, क्योंकि लाइसेंस नहीं था। सितारगंज में श्री सनातन धर्म मंदिर में सावन महीने के पवित्र महीने की शुरुआत पर धर्म प्रेमियों द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक भक्ति ज्ञान कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यास गद्दी पर विराजमान भागवत का विधिवत पूजन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया। पूजन के बाद 151 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए कथास्थल पर व्यास गद्दी पर कलश स्थापित किए गए। मंदिर के अध्यक्ष रोशनलाल अग्रवाल ने बताया कि श्रीधाम वृंदावन से पधारे पंडित रामजी महाराज जो शाम 3 बजे से 6 बजे तक सुंदर कथा का गुणगान करेंगे। आपको बता दें कि पूरा सितारगंज शहर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा और भक्ति में लीन हो गया। पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने के पावन पर्व पर सनातन धर्म मंदिर द्वारा हिंदू धर्म प्रेमियों द्वारा जो है भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जो आज महिला कलश यात्रा निकाल करके इसका शुभारंभ कर रही है। और अभी सवेरे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा इस प्रदेश के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने विधिवत जो है पूजन करके उसका शुभारंभ किया है। श्रीनगर निधान पुल से एक व्यक्ति ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना के बाद श्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अलकनंदा के तेज बहाव होने के चलते नदी में कूदने मारने वाले व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरी ओर मौके से एक बाइक भी बरामद हुई है, जिसके आधार पर बाइक के स्वामी की पहचान गोविंद सिंह रावत उम्र 45 वर्ष देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। थाने पहुंचकर व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि वे काफी लंबे समय से यहां रहते हैं। SHO श्रीनगर ने बताया कि बाइक स्वामी की पहचान गोविंद सिंह रावत के रूप में हुई है। वहीं दूसरी जल पुलिस द्वारा नदी में छलांग मारने वाले व्यक्ति की तलाश में जल पुलिस जुटी हुई है। देवप्रयाग से गोताखोरों की टीम भी बुलाई गई है। जब तक बॉडी नहीं मिल जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल रेस्क्यू जारी है। एक कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि नेथाना पुल से एक व्यक्ति गंगा जी में कूदा है। मौके पर एक बाइक बरामद हुई है, जिसमें बाइक स्वामी के पहचान गोविंद सिंह के रूप में हुई है, जो मूलतः बछेतीखाल देवप्रयाग का रहने वाला है। अभी जल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू प्रारंभ किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कैबिनेट मंत्री मुलुभाई बेरा द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंचे। मंत्रियों ने द्वारकाधीश के दर्शन कर पूजा अर्चना की। द्वारका में हरियाली महोत्सव में शामिल होने के लिए मंत्री द्वारका पहुंचे। भारत सरकार की अध्यक्षता में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारका में हरियाली महोत्सव के अवसर पर द्वारका पहुंचे थे। यहाँ पर दर्शन पूजन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा जिले के अंदरूनी आदिवासी ग्रामीणों की मुलाकात की, उनकी संवेदनशील बातों को सुना और पूरी रात गांव में बिताई। महाराष्ट्र से सटे राज्य के पहले सीमावर्ती गांव ज्वाली में ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की बातचीत रही, जिसमें ग्रामीण छात्र किसान शिक्षक वीसी तलाटी शामिल है। ग्राम स्तर पर लोगों से संवाद करते हुए चक्रवात बिपरजॉय ने कृषि फसलों को प्रभावित नहीं किया, ये सवाल किए हैं। ग्रामीणों से बातचीत में मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का पता चला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मृदुभाषी और दृढ़ मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। सहज सरल और मिलनसार व्यक्ति वाले मुख्यमंत्री अपने समक्ष आने वाले जो भी नागरिक हैं, जो भी किसान हैं, जो भी समस्या लेकर पहुंचते हैं, उनका समाधान भी करते हैं। बिजनौर में आम के बाग में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मृतक महिला बिहार की रहने वाली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अफजल करके सिरवास चंद का ये पूरा मामला है। फरुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने चार घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक ही रात में चोरों ने चार घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने लाखों रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवरात सहित 1,00,000 की नगदी पार कर दी। दो चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरों ने एक ही घर की दीवार काट कर एक ही मोहल्ले में चार घरों में चोरी की है और लाखों की नगदी पार की है। साथ ही साथ सोने चांदी के आभूषण लेकर वो वहां से भाग खड़े हुए। सूचना के घंटों बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश नजर आया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के कटरा रहमत खां मोहल्ले का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं बागपत में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से दो तस्कर घायल हो गए। घायल तस्करों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B के पास से मुठभेड़ हुई है। बागपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। काफी दिनों से इन बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही थी। आखिरकार गोली लगने से दो तस्कर घायल हो गए हैं। घायल तस्करों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B के पास ये मुठभेड़ हुई है। बागपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश इस रास्ते से गुजरेंगे, पशु तस्कर। ऐसे में पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। इस दौरान पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से दो तस्कर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कितने साथी हैं, इस पर भी लगातार छानबीन की जा रही है। ये पूरी मुठभेड़ जो है वो बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B के पास हुई है। एटम में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे और पत्थर से दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि आपगढ़ थाना क्षेत्र के पौंडरी गांव में हुए इस खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया गया है कि गांव के प्रधान पक्ष द्वारा एक बीघा जमीन को खरीदने को लेकर संघर्ष हुआ। गांव में वाल्मीकि समाज का एक परिवार रहता है, जिसकी जमीन के चलते जाटव और वाल्मीकि समाज के लोगों में लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था। अब तक दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा कोतवाली आपगढ़ में तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने यहाँ पर बल तैनात कर दिया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम डगराना में सामने आया है, जहां पर कचरे के ढेर में नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिशु के शव को अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीभीत में महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। घर के अंदर खून से लथपथ निर्वस्त अवस्था में महिला का शव मिला है। दिनदहाड़े हत्या की घटना से पूरा इलाका दहल उठा। मौके पर पहुंची पुलिस सीओ सहित भारी पुलिस पर घटना स्थल पर तैनात कर दिया गया है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुरनपुर नगर के साहूकारा लाइन पार मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये क्या पूरा मामला? ये थाना पूरनपुर क्षेत्र का मामला है।
मोहल्ला साहूकारा और वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है और पुलिस जब मौके पहुँची देखा कि एक 45 वर्ष की महिला जिनका नाम मेराज बानू है, इनके पति का नाम भूलक है और जांच में पता चला है कि महिला की यह दूसरी शादी थी, 4-5 साल पहले शादी हुई थी, इनमें आपसी विवाद होते रहते थे और पूर्व में भी इनके परिजनों द्वारा बताया गया कि विवाद हुआ है। शक है कि उनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है और हत्या करके जो पति वो फरार हैं, जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। यूपी का बाराबंकी जिला जहां सैकड़ों गांव हर साल बाढ़ की जद में आते हैं, जिसको लेकर यूपी के सीएम ने संजीदगी दिखाते हुए ग्रामवासी को बाढ़ से बचाने के लिए हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए, भरपूर बजट जारी किया, तमाम प्रोजेक्ट्स को तत्काल मंजूरी दी ताकि बाढ़ के प्रभाव के चलते तराई क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की जान माल की रक्षा की जा सके, लेकिन अधिकारी यहाँ पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और एमए अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की अंतराम चौक के अंतर्गत शहीद स्मृति चौराहे का एक पूरा मामला है, जहां पर ब्रजेश कुमार निवासी ग्राम साहबपुर तुम्हरिया जो कि किराए की दुकान में अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता था, घटना समय का करीब 11:30 बजे की है, जब ब्रजेश कुमार अपनी क्लिनिक पर बैठे तभी अरविंद और विनय एक अज्ञात व्यक्ति इसके साथ पहुंचे और ब्रजेश कुमार पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही उन्हें अजीतपल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ब्रजेश कुमार की पत्नी ने गांव के ही लड़कों पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमलावर करीब एक साल से उनकी लड़कियों संग छेड़छाड़ करते आ रहे हैं, जिसकी शिकायत करने और विरोध करने के कारण हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। महोबा में रास्ते से जा रहे मासूम भाई बहन पर कच्चे मकान की दीवार गिरने से हादसा हो गया, दीवार में दबकर 3 साल के मासूम की मौत हो गई जबकि 6 साल की उसकी बहन गंभीर रूप से घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार होने के बाद डॉक्टर द्वारा उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इस हादसे के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है, सूचना पर तहसीलदार सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, घटनास्थल का जायजा भी लिया है। किस गांव के रहने वाले हैं? जतोरा की। क्या हादसा हो गया है, कितने लोग घायल हैं? अभी आपका ये सरगुजा की लड़की दुकान गए थे पौधा लेने के लिए, तो वहाँ पौधा लेते वक्त लौट के आए तो अटारी का पकवा गिर गया, उसमें दब गए, तो लड़की तो गंभीर रूप से घायल है, लड़की की डेथ हो गई। मिथिला चोरों ने प्रधानाध्यापक के घर को निशाना बनाया, पुलिस के गश्त पर सवाले निशान खड़े हो रहे हैं, लाइसेंस रिवॉल्वर और 12 कारतूस समेत 4,70,000 रुपए समेत 4 कॉलेज के सरकारी दस्तावेज और मोहर समेत चोरों ने साफ कर दिए। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचे, फोरेंसिक टीम भी पहुंचे, गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला पूर्णागिरी नगर का बताया जा रहा है। झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीजों की जगह मौत का सामान खुलेआम बेचा जा रहा है, अवैध वेंडिंग तो एक आम सी बात हो गई है क्योंकि अवैध वेंडिंग आरपीएफ और जीआरपी की एक मदद से होती है। यहां जांच इस बात की है कि किन लोगों की मदद से रेलवे स्टेशन परिसर पर अवैध वेंडिंग का कारोबार चल रहा है, इन अवैध वेंडिंग के माध्यम से सड़ी गली चीजें यात्रियों को खिलाई जा रही है, आपको बता दें, जिसकी वजह से यहाँ पर कई तरह की बीमारियां नागरिकों को होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। साथ ही साथ ओवर रेटिंग भी यहां पर है, जो चीज 10 रुपए की मिलती है यहां पर वो 20 रुपए की बेची जा रही है। कौन सी दुकान? 10 नंबर दुकान है। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? चलो 10 नंबर वाले के पास चलो। कौन से स्टेशन पर आए आप? झांसी स्टेशन पे। नाम क्या है? प्रकाशन। नागरा से 20 रुपए की बोतल ली बाहर से। अरे हमने थोड़ी काम कर रहा है मैडम, बिरयानी क्यों चिल्ला रहे? अरे चिल्ला रहे वो तो। आपका कार्ड दिखा। अरे कार्ड हम भैया स्टेशन पे काम कर रहे थे। हम स्टेशन पे काम करते हो? अरे हम सफाई कर्मचारी है। करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे दुनियापत गांव का है, जहां रमेश कुमार सुबह उठकर कमरे में चल रहे पंखे को बंद करने के लिए जैसे ही उसका बटन छुआ उसी समय युवक करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन घायल युवक को लेकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
क्या हुआ है आपके यहाँ? कुछ नहीं, मतलब ऐसे कि मारन मारी तार खुला खोले के मारन फोन रहे बहन खोल के पता नहीं इनका होगा। किसने खोला? पापा ने खोले थे के मारा, बाहर से बंद थे खोले हम गए फटे तो गिर गए, पता नहीं इनका इतना का होगा। कै बजे की घटना है पिटिया? चार बजे सवेरे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।